युवावस्था अच्छी चीज है। देखो, मनुष्य के जीवन का स्वर्ण काल है उसकी युवावस्था। ये स्वर्ण काल है प्रत्येक मनुष्य का, युवावस्था। मोटे तौर पर हम कहें तो 20 वर्ष की आयु से लेकर 50 वर्ष की आयु का काल, 50 वर्ष तक की अवस्था, ये प्रत्येक मनुष्य के जीवन का स्वर्ण काल है। इसमें आप जितना चाहो उतना श्रम कर सकते हो और जो चाहो वह आप प्राप्त कर सकते हो। साधन में युवावस्था को लगा दो तो भगवान मिल जाएंगे। परम श्रद्धेय पूज्य श्री घनश्याम ठाकुर जी ने अपनी युवावस्था साधन में समर्पित की, संतों के अनुगत में रहकर भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया। पूज्य श्री वेणुवंद कुंज वाले महाराज जी ने अपनी युवावस्था साधन में अर्पित की, भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया। पूज्य सदगुरुदेव भक्तमाली जी ने 18-19 वर्ष की आयु में काशी में गृह त्याग किया, अपनी युवावस्था साधन में अर्पित की, भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया। विद्या के लिए समर्पित कर दो, कला के लिए समर्पित कर दो, चाहे तप के लिए समर्पित कर दो, चाहे सेवा के लिए समर्पित कर दो, आप अपनी युवावस्था को जिस क्षेत्र में लगा देंगे वहीं आपको सर्वोच्च अवस्था प्राप्त हो जाएगी। ईमानदारी से आप उसको लगाओ। देखो भाई, साधु साई कथाएं कोई बुरो मत मानियो। हमारे पूज्य गुरुदेव खाकचौक वाले महाराज जी, पहाड़ी बाबा महाराज, एक घटना सुनाते थे। बाबा को बड़ी हंसी आएगी, पर हंसने जैसी बात है नहीं, बात बड़ी गहराई की है। महाराज जी उस काल में पैदल घूमते थे, तो ये विंध्याचल क्षेत्र जो है, इसी विंध्याचल क्षेत्र में विराज सुंदर भगवान एक बड़े तपस्वी संत, सिद्ध कोटि के संत विराजते थे। ये विंध्याचल क्षेत्र की बात है। और अनेक साधक, अनेक संत उस क्षेत्र से जो भी गुजरने वाले होते वो उन तपसी जी का दर्शन जरूर करते थे। और ऐसे सिद्ध पुरुष थे वो कि सभी मत संप्रदाय के लोग उनके पास जाते थे और किसी अधिकारी को वे कुछ न कुछ साधन जरूर बताते थे, जिज्ञासु के ऊपर कृपा अवश्य करते थे। महाराज जी कहते कि हम लोग भी विचरण कर रहे थे, सुना बड़े सिद्ध पुरुष हैं तो दर्शन करने गए। दर्शन करने गए तो वहां एक विचित्र घटना घटी। उन संत जी के पास ब्रह्मचारी जी महाराज, उन संत जी के पास कुछ माताएं बैठी थी और भक्त लोग भी बैठे थे। गांव की 2-3 माताएं थीं और वो माताएं कहने लगीं कि आप कितने सिद्ध पुरुष हो इस क्षेत्र के कि हम सब आपको भगवान के जैसा मानते हैं, और साधुओं में कैसे कैसे ऊट पटांग लोग घुसे हुए हैं। बाबा, हम साधुओं की शिकायत करने आई। बाबा ने कहा, क्या शिकायत? बोले, हम लोग कुआं पर पानी भर रही थी और कुछ साधु बाबा यहां से त्यागी तपस्वी निकल रहे थे,
तो वो आपस में बातचीत कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बोले वो कह रहे थे अगली को छोड़ और पिछली को छोड़, बीच वाली को धर रगड़। तो उन माताओं ने कहा कि मैं तो सास हूं और जो दूसरी है वो भी हमारी जिठानी लगती है, वो भी बड़ी बूढ़ी, हमारी बहू बीच में थी वो जवान, तो इतना खराब लगा हमको बाबा, हजार गारी रही हमने और बाबाजियों को कोई परवाह नहीं, वो तो कहते हुए चले गए। क्या कहा साधुओं ने? अगली छोड़ और पिछली छोड़, बीच की कु धर रगड़। तो महाराज जी कहते हमने यही सत्संग सुना उन संत का। उन संत ने कहा कि तुमने संतों के वचनों में अपनी वासना वासित वृत्ति लगाई और ये बहुत बड़ा अपराध किया, ये ठीक नहीं। उनको तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं। वो संत बातचीत कर रहे थे, क्या बातचीत कर रहे थे? शिष्य के पूछने पर वयोवृद्ध संत कह रहे थे कि अगली छोड़, अगली माने बाल्यावस्था छोड़ो, खेलने कूदने में चली गई, और पिछली छोड़, पिछली वृद्धावस्था भी छोड़ दो क्योंकि वो भी पराधीन होकर के जाने वाली है, शरीर में असक्ति हो जाएगी, केवल बीच की युवावस्था है उसको साधन में धर रगड़ो। पर तुमने संत की वाणी को गलत अर्थ लगाकर अपने ऊपर ले लिया और इसलिए तुमने संतों का अपराध किया, अब संतों से क्षमा मांगो। महाराज जी कहते थे विलक्षण घटना थी, जो संत अगली छोड़ पिछली छोड़ बीचड़ी को धर रगड़ वो भी वहीं बैठे थे। और उन संतों ने कहा बाबा सच्ची बात है, हमें तो पता ही नहीं था कि यहां कोई माताएं खड़ी होकर पानी भर रही हैं, हम तो अपनी बातचीत करते जा रहे थे। तो ये बहुत बड़ी चीज है, बीच की को धर रगड़, ये बीच वाली अवस्था ही मनुष्य के जीवन का स्वर्ण काल है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।